मेरे हिसाब से जो ये 40 से 50 हज़ार कर रहे हैं इनको इनकम के बेसिस पे करना चाहिए। मेरा बार बार यही कहना रहता है कि आप देखो, आप लेमैन की लैंग्वेज में अगर एक एग्जांपल से समझा पाएं कि ये क्या है, 40 से 50 हज़ार होता है तो क्या होगा? 40 से 50 हज़ार कोई 50 लाख रुपए कमा रहा है साल का, उसको भी आप 50 हज़ार रुपए दे रहे हो डिडक्शन। कोई 5 लाख रुपए कमा रहा है उसको भी आप 50 हज़ार रुपए दे रहे हो डिडक्शन। तो इससे एक्चुअली जो प्रॉपर बेनिफिट मिलना चाहिए वो इंटेंशन ऑफ लॉ क्लियर नहीं हो पाता यहाँ पे, क्योंकि जो हायर अर्नर वाला पर्सन है, एसएससी है, वो 50,000 का रिडक्शन उसको मिलेगा। इवन ही इज पेइंग टैक्स ऑन 50 लाख रुपीज एंड द पर्सन हु इज अर्निंग 5 लाख रुपीज एंड ही उसको भी बस 50,000 रुपए का बेनिफिट दे रहे हो। तो देयर शुड बी अ नेक्सस बिटवीन द इनकम एक्चुअली अर्नड एंड द नोशनल डिडक्शन जो गवर्नमेंट स्टैंडर्ड डिडक्शन के तौर पे आपके पास में आ रही है। मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि हमें इस बजट में सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग हायर स्लैब पे, जैसे मीडियम क्लास लोग हैं, वो हायर इनकम अर्न करने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिविंग स्टैंडर्ड उनका उतना ही है, लिविंग कॉस्ट उनका उतना ही आता है। तो अकॉर्डिंगली जो उनका कॉस्ट है उस कॉस्ट को आप उनके इनकम के बेसिस पे थोड़ा कंसीडर करो। चलिए, तो ये कंसीडरेशन सरकार को करनी चाहिए, ये मांग है कि आपकी जो इनकम है उसके मुताबिक आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन करना चाहिए। राजेश जी से भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जल्दी से एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। बजट की 10 ब्रेकिंग एसोसिएट स्पॉन्सर एशियन पेंट्स अल्टिमा प्रोटेक्ट।